शाइनी उतर जाओ नीचे। देवाज कवर भी कर रहा है बुक्स को। गाइस रात के बज गए हैं 10:30। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस जो सुबह के बज रहे हैं आज 9:30 और आज हम बहुत लेट हो गए हैं गुड मॉर्निंग करने में आपसे, क्योंकि आज कर रहे हैं हम घर की सफाई, जो कि क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं तो सफाई कर रहे हैं। तो सुबह 8:30 बजे से मैं लगी हूँ, 1 घंटा मुझे हो गया है। ड्राइंग रूम और एक रूम हो चुका है सफाई में। और देखिए शाइनी कहाँ चढ़ के बैठ गई, ये कर रही है मुझे परेशान। जय करो शाइनी जय। और गाइस ये बहुत परेशान कर रही है अपनी मम्मी को भी, मुझे भी। सीढ़ी पे बार बार आके बैठ जाती है और काम नहीं करने दे रही है। और सीमा इसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही है। शाइनी उतर जाओ नीचे, उतर जाओ, बुआ काम कर ले। नहीं बुआ काम कर ले, फिर बुआ पिटाई करेगी शाइनी की। आई एम सॉरी बाबू। कैसे करेगी पिटाई, कल भी हुई थी ना पिटाई शाइनी की। हाँ तो आओ आओ आओ, अब मत आई। और तो ठीक है गाइस, मैं काम करने के बाद थोड़ा सा फिर वापस से आपको अपडेट देती हूँ थोड़ी सी। जी का खाना लग चुका है, दाल चावल और रोटी। और इधर बन रहे हैं छोले चावल रोटी। सो गाइस 1:30 बज रहा है और मेरी सफाई अभी अभी निपटी है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और रीना अभी तक नहीं आई है क्योंकि मैंने उसे 1 बजे का ही टाइम दिया था और थोड़ा सा लेट भी हो गई है। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ अब सैलेड काट के, क्योंकि भूख भी बहुत लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया गाइस। और किचन रह गई है अभी, किचन कल होने वाली है तो मैं सैलेड फटाफट से फिनिश कर देती हूँ और फिर देव को भी लेने जाना है स्कूल। बज चुके हैं 9:30 और देव स्कूल जा चुका था और मैंने लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया है। रीना काम करके जा चुकी है और मैंने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया है दोपहर का लंच, जैसे कि शेक में पी चुकी हूँ। आदित्य जी अभी शेक पी रहे हैं और रूम में बैठ कर टीवी देख रहे हैं, देखिए। और शाइनी क्या कर रही है, शाइनी कुछ खा रही है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही है शाइनी। ओट्स खा रही है, ओट्स पोहा, पोहा खा रही है गाइस। तो अभी मैं बस नहा के आती हूँ और फिर वापस से आपको अपडेट देती हूँ कि मैं आज पूरा दिन क्या करने वाली हूँ। गाइस दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और देव आ गया था स्कूल में और हमने लंच कर लिया है और शाइनी भी तुरंत उठ के आ गई है देव के आते ही रूम में, क्योंकि इसे देव के साथ खेलना है, ये पूरा दिन देव को ही ढूंढती है। सो गाइस हमने खाया छोले और चावल, रोटी नहीं बनाई क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैंने आज बहुत सारा काम किया और मैं थक गई थी। और देखिए गाइस अब इसने फिर से आज चश्मा उठा लिया, कल भी इसे डांट पड़ी थी इसी बात पर, डांट पड़ी थी कि ये सामान नहीं छोड़ती है और आज फिर वही सामान उठाना, रैपर तोड़ना, ये करना, सब यही करती है। और देखिए गाइस आज रीना बहुत लेट आई है, देखिए अभी आई है क्योंकि मैंने इसे लेट बुलाया था 1 बजे, लेकिन ये आई है 2 बजे, है ना 2 बजे आई है ना। हाँ झाड़ू लगा लिया है, बस अब पोछा लगा रही है। ये कर्टेन अंदर कर दो जो बाहर हो रहा है। हाँ हाँ अब पर्दे बिल्कुल बंद कर दो क्योंकि बाहर से बहुत अजीब सी हवा आ रही है बिल्कुल। और मैं भी इधर बंद करके रख देती हूँ गाइस, आज मैं सोऊंगी थोड़ी देर क्योंकि बहुत थक गई हूँ, अच्छा फील नहीं हो रहा है, थकावट हो रही है। तो सो जाऊंगी आज फिर मैं और फिर आपको मिलती हूँ आपको मिलती हूँ उठने के बाद वापस से कुछ। तो गाइस शाम के 5:30 बज गए और मैं सो के उठ गई, और जैसे ही मैं सो के उठी तो शाइनी तुरंत मेरे पास आ गई और मैंने बना ली है अपनी अफ्रेश, जो कि आपको पता है ये हमारी अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक चाय का रिप्लेसमेंट है, तो मैं इसके पीने वाली हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे छत पे, जो हम पेड़ लाए थे शाम, तो वो लगाने भी है अब हमें, तो इसके बाद मैं छत पे जाने वाली हूँ पेड़ लगाने। और देव आ गया है ट्यूशन से अभी, और देखिए ये बेचारी कब से परेशान थी, इसने चाचू के चक्कर में मुझे बुआ भी बोल दिया, ये सब ले ले, सब ले ले भाई, सब ले ले तू। सब ले लो, शाइना आ गए चाचू, चाचू आ गए। गाइस हम पेड़ लगाने वाले हैं ये। सो गाइस पेड़ तो लग चुके हैं दोनों, गुलाब का एक लगाया है, एक अभी नीचे ही रखा है क्योंकि वो गमले में ही था पहले से ही, तो अभी मैं वो चेंज नहीं कर रही हूँ। सो अब चलेंगे हम वॉक करने पूजा, क्योंकि मंदिर में आपको आरती की आवाज़ आ रही होगी, मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है, देव वहाँ जा चुका है। और गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए हरिद्वार में बहुत ही अच्छा, शायद बारिश का हो रहा है हल्का सा, लेकिन अच्छा मौसम लग रहा है। और पेड़ अगर रात को बारिश आ गई तो पेड़ बहुत अच्छी जड़ पकड़ने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं नीचे वॉक करने के लिए।
गाइस मैं लाई हूँ स्ट्रॉबेरी और देखे मैंने साफ करके रख दिया इस तरह वॉश करके, और इस तरह मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखने वाली हूँ। और इधर बन रहा है खाना, सीमा आटा बना रही है अभी, और आदेश जी खाने वाले हैं कढ़ी। और दिन में क्योंकि मैंने छोले बनाए थे और सभी छोले खाएंगे, क्योंकि आदेश जी छोले नहीं खाते हैं तो इसलिए देव खा रहा है अपने लिए अपनी स्ट्रॉबेरी। और देव ने ये देव आज कवर भी कर रहा है बुक्स को, और देखिए देव ने ड्राइंग बायोलॉजी पे बनाई है बाहर, डेकोरेशन की है। सो गाइस देव खा रहा है यहाँ खाना, और देखिए खाना देखते देखते ये यूट्यूब में कुछ देख भी रहा है, और देव कवर भी कर रहा है, डेकोरेशन भी कर रहा है बुक्स के ऊपर, नोटबुक के ऊपर। और देखिए इतने सारी कवर इसने कर भी लिए हैं। और हेलो देव, हेलो ये क्या देख रहा है? रोहित शर्मा कैप्टन आएगा या नहीं आएगा? ओके गाइस, रात के बज गए हैं 10:30 और चल रहा है मैच अभी भी। अभी तक मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया है, सो गुजरात जीतेगी देव का कहना है। पंजाब का मैच कौन देखता है? सब देखते हैं, पापा देख रहे हैं। सो गाइस देव का कवर पूरे नहीं हुए अभी, कल करेगा, और ये बाकी क्योंकि थक गया है काफी। देखिए, और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है जिन्होंने नहीं किया है, वीडियोस को एंड तक जरूर देखना है। तो लेती हूँ आपसे विदा, ओके बाय, गुड नाइट।